नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से चैरिटेबल एंटिटीज, रिलीजियस एंटिटीज के टैक्सेशन पर काफी सारे प्रावधान टफ किए गए हैं या कंप्लायंसेस बढ़ाई गई हैं। और दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि ये फॉर्म 10B कोई नया फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म 10B एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसी चैरिटेबल रिलीजियस एंटिटी के लिए। तो यदि आप किसी चैरिटेबल रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके ट्रस्टी के रूप में हैं या उनके अकाउंट्स का प्रभार आपके पास में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात करता हूं, हु इज लाइबल टू फाइल फॉर्म 10B इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, यानी इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट में फॉर्म 10B किसको भरना आवश्यक है। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड हो इनकम टैक्स की धारा 12AA या नई धारा 12AB के अनुरूप। सो इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन अंडर आइदर ऑफ दीज सेक्शंस, देन यू आर नॉट लाइबल टू फाइल फॉर्म 10B। सो हु इज लाइबल टू फाइल फॉर्म 10B? एन इंस्टीट्यूशन विच इज आइदर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और अ मिक्स ऑफ देम, एंड एट द सेम टाइम सच इंस्टीट्यूशन ऑल्सो होल्ड्स अ रजिस्ट्रेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब दोस्तों, अपनी बात को और पुख्ता तरीके से रखने के लिए मैं आपके सामने सीधे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 12A, उससे रिलेटेड पार्ट जो फॉर्म 10B की एप्लीकेबिलिटी लाता है, वो रख रहा हूं, ताकि आप समझें कि फॉर्म 10B इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सेक्शन 12A में सबसेक्शन 1 बोलता है, सर, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 शेल नॉट अप्लाई। इसकी महत्ता समझिएगा सर, कि यदि एक चैरिटेबल संस्था है या रिलीजियस संस्था है जो इनकम टैक्स की धारा 11 एवं 12 में एग्जम्पशन लेना चाह रही है, तो उनके लिए कहा गया, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 शेल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू इनकम ऑफ एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो आपको यदि एज अ ट्रस्ट, चाहे चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो या आप एनजीओ खुद को मानते हो, और 11-12 की एग्जम्पशन लेनी है, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको 12A सबसेक्शन 1 की शर्तें आपने पूरी ना की हो। अब इन्हीं शर्तों में एक शर्त है सर, क्लॉज भी, उसमें कहा गया, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, के इसका मतलब क्या हुआ विदाउट गिविंग इफेक्ट टू, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, the accounts of the trust or institution for that year have been audited by an accountant as defined in explanation below subsection 2 of 288 before the specified date relevant referred to in section 44AB, and the person in receipt of income furnishes by that date the report of such audit in the prescribed form. ये prescribed form ही दोस्तों form 10B है, duly signed and verified by such accountant setting forth such other particular as may be prescribed. ध्यान से समझिएगा सर, कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको 11-12 की exemption लेनी है charitable religious institution के रूप में, तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर 11-12 की exemption दिए बिना आपकी इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ट्रस्ट को सर इस साल 85 लाख रुपीस के कंट्रीब्यूशन मिले, और उन्होंने उस 85 लाख रुपीस के कंट्रीब्यूशन में से 80 लाख रुपीस खर्च भी कर दी। अब अगर उन्हें 11-12 की एग्जम्पशन नहीं मिलती, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इनकम आती से फॉर एन एग्जाम्पल 85 लाख रुपीस। नाउ वॉट विल हैपन इन दिस सिनारियो, दैट सिंस देयर इनकम that is 85 lakh rupees is above exemption limit, they are mandatory required to file form 10B. अब उनको क्या करना पड़ेगा सर, form 10B फाइल करना जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि अनुप जी, मान लीजिए form 10B फाइल नहीं हुआ तो क्या होगा? सर, अगर form 10B फाइल नहीं हुआ तो 11 और 12 की exemption, यानी जो charitable या religious entity को एक exemption मिल रही है income tax law में, income tax से छूट मिल रही है कि आप तो अपनी income को apply करके दिखाइए, हमें आपसे कोई टैक्स नहीं लेना, वो छूट का बेनिफिट सर खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सर कि फॉर्म 10B कितना इंपॉर्टेंट है। यदि ये फाइल नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में रिलेवेंट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को 11-12 की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। यही एक मेन पॉइंट था जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने आपके सामने बना के रखने की चेष्टा की।
अब दोस्तों पिछले डिस्कशन से अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो कि हाँ अनुप जी मैं इंपॉर्टेंस को समझ गया कि 10B भरना जरूरी है यदि चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट जो 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और उनकी इनकम विदाउट कंसिडरिंग 11 एंड 12 सेक्शन के एग्जम्पशन के अबव एग्जम्पशन लिमिट है तो 10B भरना मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी तो हो गया, अब ये ड्यू डेट कब तक होगी 10B की? सर इसकी ड्यू डेट होगी सर जो आज की डेट में मान लीजिए मैं अगर असेसमेंट ईयर 22-23 की चर्चा करूं तो फॉर्म 10B फाइल होना जरूरी है 30 सितंबर 2022 तक असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब आप मेरे को बोलेंगे कि अनुप जी मान लीजिए इस ड्यू डेट तक फॉर्म 10B फाइल नहीं हुआ तो क्या परिणाम होंगे? सर उसका परिणाम ये होगा कि एज अ चैरिटेबल एंटिटी आपको सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जम्पशन ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं सर कि यदि आपकी चैरिटेबल रिलीजियस एंटिटी है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है तो वो ये सुनिश्चित करें कि वो टाइमली अपनी फॉर्म 10B भी किसी चार्टर अकाउंटेंट से ऑब्टेन करें और ड्यूली वो चीज अपलोड हो न केवल सीए के पोर्टल से या सीए के लॉगिन से बल्कि आपके द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली जाए, नहीं तो आपकी 11 और 12 की एग्जम्पशन लूज हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी डिस्कशन से एक क्वेश्चन ये भी पैदा हुआ कि व्हाट इफ आईटीआर इज फाइल्ड बट फॉर्म 10B इज नॉट फाइल्ड, कि आईटीआर तो अनुप जी हमने एज अ चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन 12AA 12AB में रजिस्टर्ड होने के साथ फाइल कर दी पर हमने 10B नहीं फाइल करी। सर मेरा फिर कहना है कि आप रेफर करिएगा मैंने जो ओरिजिनल टैक्स बेयर एक्ट का आपके सामने रखा था जहां से मैंने अपनी ओपिनियन शेयर करी थी कि 11-12 सेक्शन की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी यदि आपकी इनकम विदाउट कंसिडरिंग 11 एंड 12 के एग्जम्पशन के अबव एग्जम्पशन लिमिट है और आपने फॉर्म 10B फाइल नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अनुप जी रिटर्न टाइमली भर दी पर 10B छूट गया तो क्या 11 12 की एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी? बिल्कुल सर खत्म हो जाएगी। इसलिए फॉर्म 10B और कब के लिए खत्म हो जाएगी? केवल उस ईयर के लिए। ये नहीं कह रहा मैं कि आगे के ईयर्स में भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी बट रिलेवेंट स्पेसिफिक ईयर के लिए आपकी एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी ये बात सुनिश्चित है, इसलिए फॉर्म 10B को फाइल कराना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चलिए एक ट्रस्ट ने जो 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है उसने मानस बनाया कि हाँ जब अनुप भाटिया इतना इंसिस्ट कर ही रहा है तो हम एक फॉर्म 10B अपना इशू करा लेते हैं। तो सर कौन इशू करेगा? वो तो आपके चार्टर अकाउंटेंट इशू करेंगे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट होंगे, उन प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट के पास आपको जाना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट ऑडिटेड करानी है, वो फॉर्म 10B फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लॉगिन से उस फॉर्म 10B को अपलोड करेंगे और अगर वो अपलोड करते हैं तो आपको उस अपलोड के बाद में अपने खुद के ट्रस्ट के लॉगिन में वो फॉर्म दिखेगा जहां आपको वो फॉर्म एक्सेप्ट करना है। जब तक सर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म 10B फाइल हुआ नहीं माना जाएगा। सो आई होप दिस विल ऑल्सो बी यूजफुल। अब दोस्तों एक अंतिम पॉइंट, एनी पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10B। अगर मैं इनकम टैक्स के पेनल्टी के सेक्शंस में चैप्टर 21 में जाता हूं तो दोस्तों मुझे पेनल्टी का कोई सेक्शन स्पेसिफिकली मिला नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी बात को इस प्रकार से रखूं कि आप 12A 12AA या 12AB की रजिस्टर्ड संस्था हैं, चाहे पब्लिक चैरिटेबल हैं पब्लिक रिलीजियस हैं और आपके ऊपर फॉर्म 10B एप्लीकेबल है और आपने वो फॉर्म 10B फाइल नहीं किया तो आप उसका कॉन्सिक्वेंस देखिएगा सर कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए या रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए आपको 11 एंड 12 की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है या इससे बुरी पेनल्टी क्या लग सकती है? और अगर आपका फॉर्म 10B फाइल नहीं हुआ और 11 12 की एग्जम्पशन नहीं मिली तो बहुत संभव है कि सर सीपीसी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल जब आपकी रिटर्न को प्रोसेस करेगा तो वो आपको एमएमआर रेट पर टैक्स लगा देगा, यानी 30% प्लस रेट पर टैक्स लगा देंगे। तो ये एक तरीके की इनडायरेक्ट पेनल्टी है जिससे बचने के लिए ट्रस्टों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो चैरिटेबल या रिलीजियस हैं उन्हें 10B जब भी एप्लीकेबल है फाइल कराना जरूरी होगा। ऐसा मैं एडवाइस इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहता हूं। अंत में दोस्तों एक सलाह देना चाहता हूं कि बहुत से लोग पब्लिक एट लार्ज में बहुत एंजाइटी में कोई पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं। पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना कतई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा की इच्छा रखते हैं।
परंतु सर केवल संस्था बना लेने से काम नहीं होगा, संस्था बनाने के बाद में उसकी जो जो कंप्लायंसेस हैं वो सब कंप्लायंसेस आपको सुनिश्चित करनी होगी, अदरवाइज संस्था किसी प्रकार की टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज में उलझ गई तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट मुझे देनी पड़ गई। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स की धारा 12AA, 12AB में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ये इंपॉर्टेंट कंप्लायंस फॉर्म 10B की करनी है और उनसे ये गलती ना हो कि वो फॉर्म 10B चूक जाए। तो मैंने इसी पर्पज से वीडियो बनाई। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।